नमस्कार, मैं हूं ग्रेस सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई के छात्रों ने मेन गेट पर ताला जड़ा और मारपीट को लेकर के प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल। हरियाणा के हांसी में आईटीआई के छात्रों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने छात्रों को समझाते हुए ताला खुलवाया। अब इस विवाद के बारे में जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। तो आपको बता दूं कि आईटीआई में छात्रों के बीच आपस में हुई मारपीट के विरोध में छात्राओं ने शुक्रवार सुबह आईटीआई के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ा। इस दौरान छात्रों ने आईटीआई प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर के नारेबाजी की और आईटीआई गेट पर ताला लगा जाने की सूचना मिलते ही महिला पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही छात्रों को और छात्राओं को शांत करवाने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद मौके पर आईटीआई जांच कमेटी के प्रमुख तहसीलदार नवजीत कौर मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही छात्राओं को समझा बुझा करके गेट पर लगाया हुआ ताला खुलवाया। साथ ही उनके समस्याओं को सुन करके जल्दी ही समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रही छात्रों ने तहसीलदार नवजीत कौर व आईटीआई जांच कमेटी के सामने आरोप लगाया कि आईटीआई प्रिंसिपल के इशारे पर आईटीआई की कुछ छात्राओं ने क्लास के अंदर कुछ छात्राओं के साथ मारपीट की और छात्राओं को ब्लैकमेल करने के लिए मारपीट की वीडियो भी बनाई। छात्राओं ने कमेटी के समक्ष आईटीआई प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की तथा छात्राओं के साथ मारपीट करने वाली छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कमेटी को 4 दिन का समय दिया। छात्राओं ने कहा कि यदि 4 दिन के अंदर प्रिंसिपल व आरोपित छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 4 दिन बाद आईटीआई के समक्ष अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दें। इस दौरान छात्राओं ने 3 घंटे तक आईटीआई के मेन गेट को बंद रखा। बता दें कि इसके पूर्व 5 दिसंबर को भी आईटीआई के छात्रों द्वारा प्रिंसिपल व चपरासी को निलंबित करने की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। उस दौरान छात्राओं ने एसडीएम के समक्ष में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद एसडीएम मोहित महाराणा ने छात्राओं द्वारा आरोप की जांच के लिए तहसीलदार नवजीत कौर और सीडीपीओ महिला एसएचओ के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया। उस समय एसडीएम के ने छात्राओं से जांच कमेटी के समक्ष प्रिंसिपल व चपरासी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उक्त मामले में जांच कमेटी ने अभी जांच की। आईटीआई प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। यह कुछ छात्राएं आईटीआई में राजनीति कर रही हैं। बताइए, फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच पूरे होने के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। तहसीलदार नवजीत कौर ने बताया कि आईटीआई के अंदर कुछ छात्राओं के बीच में आपस में कहा सुनी हो गई थी, तो इसकी जो है तो स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के बीच कई बार कहा सुनी हो जाती है। छात्राओं की समस्याओं को सुन लिया गया है और उन्हें अपनी कक्षाओं में भेज दिया है। उन्होंने भी जो इशू हैं, उनके जो भी इशू हैं, उन्हें 5 से 7 दिन के अंदर समाधान किया जाए। तो ये हरियाणा का जो है तो हंसी का केस है और वहाँ पर आईटीआई की जो छात्राएं हैं उन्होंने जो है तो ये गंभीर आरोप जो लगाए हैं उस पर निश्चित ही निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और ये आईटीआई टॉक देखते रहिए। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।